आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कुन्ना, जिसके लिए हमको चाहिए होगा हाफ कप सरसों का तेल, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चे, 2 टेबलस्पून आटा, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 केजी हड्डियों वाला गोश्त, इस तरह का बकरे का। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऑयल ऐड करके ऑयल को थोड़ी देर पकने देंगे, क्योंकि ये सरसों का तेल है तो इसको थोड़ा पकाना ज़रूरी है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इतना ही इसको खौलाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें मैं काला ज़ीरा और प्याज दोनों चीज़ें साथ साथ ऐड कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सा गलने तक, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर प्याज को फ्राई करना है। फिर इसमें बाकी मसाले जैसे कि अदरक लहसुन ये सब भी ऐड कर देंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी पक चुकी है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी मसाले शामिल करके थोड़ी देर पकाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, आटा आखिर में शामिल करना है इसलिए आटा भी नहीं डालेंगे। इस सबको हिला के अच्छे से इसको भूनेंगे। जब ये थोड़ी देर भुना जाए, अच्छे से ये भुना जाए थोड़ी देर तक, कम से कम 5 मिनट आपको इसको भूनना है ताकि सारे मसाले और प्याज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें हम गोश्त डालेंगे। देखिए मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त शामिल करके फिर दोबारा इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी अच्छे से भुना चुका है गोश्त के साथ, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब गोश्त को गलने के लिए 3 से 4 कप पानी डाल के 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। 3 से 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और इसका फ्लेम कुछ देर के लिए थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि ये जो पानी हमने ऐड किया है इसका टेम्परेचर फुल हो जाए, और जब इसमें बबल आने लगेंगे तो हम इसका ढकना कवर कर लेंगे और इसको 1 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे और आँच को बहुत दरमियानी कर देंगे। देखिए पानी में बबल्स आने लगे हैं, ठीक है। पानी में बबल्स आने लगे हैं तो अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। बिल्कुल फ्लेम हमने इसका हल्का कर दिया है, बहुत ही हल्का, दरमियाने से भी हल्का। अब हम इसको ढक के गोश्त के गल जाने तक पकाएंगे। वैसे आप 1 घंटा रखें
एक घंटा डेढ़ घंटा इतने में आपका गोश्त गल जाता है। मैंने इसको ढक के एक घंटे के लिए रख दिया है। एक घंटा हो चुका है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है, गोश्त गला है कि नहीं गला है। अब हम इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका ये है कि मैं इसको छुरी डाल के इसको वहाँ पर चेक करूँगी। इसको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, इसको हम मज़ीद आधे घंटे के लिए इसी तरह ढक के छोड़ देंगे, फिर आधे घंटे बाद चेक करते हैं। डेढ़ घंटा हो चुका है, अब मैं इसकी लीड हटा के चेक कर लेते हैं। इसका पानी तो सूख गया है, तकरीबन सूख गया है। गोश्त गला है कि नहीं गला ये देखना होगा। अब एक पीस में गोश्त का या निकाल के उसको चेक करती हूँ कि गल गया है कि नहीं गला है। ये अच्छे से टेंडर हो चुका है, देखो बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा दो हाथ भून के फिर इसमें आटा शामिल करूँगी। अब फ्लेम हाई कर देंगे। फ्लेम को इतना तेज करना है कि इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए, जबकि हमें अभी इसमें पानी ऐड भी करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि आटा अगर हम ज़्यादा पानी में डालते हैं तो लम्प मरने का खतरा होता है, तो हम इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे और थोड़ी भुनाई कर लेंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा आप चमचा ना चलाएं वरना गोश्त टूट सकता है। जिस बाउल में मैंने गोश्त निकाला था उसी बाउल में मैं ये आटा डाल के इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लूँगी, लई बना लूँगी अच्छी सी। स्पून की मदद से इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। देखिए इसमें भी लंप ना रहे, पतली सी लई बन गई है। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ और सालन की बनाई कर देती हूँ। फिर अभी अच्छे से भुना चुका है, मैं इसमें लई शामिल करूंगी जो बनाई थी, थोड़ा मिक्स करते हुए शामिल करना है और फौरन ही आपको इसका चमचा चलाना है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया इसमें लई डालते ही, लेकिन अब थोड़ी देर तक आपको इसको इसी तरह चलाते रहना है, कम से कम 2 से 3 मिनट। फिर इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और अब आटे को पकने देंगे कम से कम 5 मिनट तक और फ्लेम लो कर देंगे। फ्लेम लो करके इसको आटे के साथ पकने देंगे
चमचा हिलाते रहना है ताकि आटा जमे ना। जब इसमें बबल आने लगेंगे तो ये तकरीबन तैयार है और इसका इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ापन आ जाएगा ग्रेवी में थोड़ा सा। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हरी मिर्च शामिल करके 5 मिनट के लिए दम पे ढक के छोड़ देंगे। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्चों की खुशबू अच्छे से सालन में आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, मिर्चों की खुशबू अच्छे से सालन में आ चुकी है और देखें तेल भी थोड़ा ऊपर आ गया है। अब ये तैयार है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं तो मसाले ज़रा कम ही पड़ते हैं इसलिए इसका कलर थोड़ा येलोइश सा होता है। अब इसको गार्निश कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक से। मटन कुन्ना तैयार है। इसको लेमन के साथ भी आप खा सकते हैं, लेमन इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली रेसिपी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।